हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिस्टेंट बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक के इस वीडियो में हम लोग यूनिट फोर्थ मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स के 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महमताप सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उस पर आते हैं। व्हाट डज द वर्ड ओपन मीन इन द वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। जो हमारा वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल होता है उसमें ओपन का मतलब क्या होता है, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ड्रग इजीली इंटर, दूसरा ऑप्शन है हमारा ड्रग रेडली मिक्स्ड विद द ब्लड, तीसरा ऑप्शन है हमारा यूनिडायरेक्शनल इनपुट एंड आउटपुट, और अंतिम ऑप्शन है इजी एब्जॉर्प्शन। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारा वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल होता है उसमें जो हमारा शब्द है ओपन उसका क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सी, यूनिडायरेक्शनल इनपुट एंड आउटपुट हमारे ओपन कंपार्टमेंट मॉडल में हमें देखने को प्राप्त होता है, और इसी के थ्रू जो हमारी ड्रग है वो हमारे बॉडी से एलिमिनेट भी होती है। तो अगर जो हमारा कंपार्टमेंट है उसमें जो हमारा है इनपुट और आउटपुट वो यूनिडायरेक्शनल है तो वो हमारा ओपन वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल कहलाता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच टाइम डज एन इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग टेक टू कंप्लीट ए कंप्लीट सर्कुलेशन। तो जो हमारा इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें जो हमारी कंप्लीट ड्रग है उसको एक तरह से सर्कुलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 5 से 8 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 7 से 10 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 1 से 3 मिनट, और अंतिम ऑप्शन है 1 मिनट। तो अगर हम इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो उसमें जो हमारा कंप्लीट सर्कुलेशन होता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 से 3 मिनट का टाइम हमारी ड्रग को लगता है। तो 1 से 3 मिनट के अंदर जो हमारी ड्रग है वो हमारे होल बॉडी में कंप्लीटली सर्कुलेट हो जाती है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल ऑल्सो नोन है। जो हमारा मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल होता है उसका और क्या नाम होता है, ऑप्शंस देख लेते हैं। फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, दूसरा ऑप्शन है डिलेड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, और अंतिम ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल के बारे में बात करते हैं तो उसका हमारा नाम एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिलेड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी कहते हैं, अपने मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल को। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द सेंट्रल कंपार्टमेंट आर कंपार्टमेंट 1 कंप्राइजेज ऑफ ब्लड एंड हाईली परफ्यूज टिश्यूज, ऑप्शंस देख लेते हैं। ये जो हमारा सेंटेंस है ये सही है या गलत है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, ट्रू। जो हमारा होता है सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है जिसको हम लोग कंपार्टमेंट 1 भी कहते हैं, उसमें वो ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर हमारे ब्लड का जो परफ्यूजन है वो काफ़ी हाई होता है। इसमें हमारा होता है लीवर्स होते हैं, जो हमारा लंग है, और जो हमारी किडनी है वो हमारे सेंट्रल कंपार्टमेंट में आता है, और इसमें जो हमारी इक्विलिब्रियम की एक तरह से कंडीशन होती है वो आसानी से इजीली वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाती है, और इनसे ही हमारी ड्रग का एलिमिनेशन भी हमें देखने को प्राप्त होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑर्गन कंप्राइजेज द सेंट्रल कंपार्टमेंट इन 2 कंपार्टमेंट मॉडल। जो हमारा 2 कंपार्टमेंट मॉडल होता है उसमें हमारा जो होता है सेंट्रल कंपार्टमेंट वो इनमें से कौन सा ऑर्गन होता है, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा मसल, दूसरा ऑप्शन है स्किन, तीसरा ऑप्शन है हमारे एडिपोज टिश्यूज, और अंतिम ऑप्शन है लीवर। तो अगर हम बात करते हैं अपने 2 कंपार्टमेंट मॉडल के बारे में तो उसमें जो हमारा होता है सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है, इससे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारा सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है उसमें हमारे ब्लड का जो परफ्यूजन होता है वो काफी हाई होता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, लीवर हमारा 2 कंपार्टमेंट मॉडल में इसमें से सेंट्रल कंपार्टमेंट कहलाएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द पेरिफेरल आर टिश्यू कंपार्टमेंट आर द कंपार्टमेंट 2 कंप्राइजेज ऑफ पुअरली परफ्यूज टिश्यू। तो ये सेंटेंस हमारा ट्रू है कि फाल्स है। जो हमारा होता है पेरिफेरल कंपार्टमेंट, या उसको हम लोग टिश्यू कंपार्टमेंट भी कहते हैं, या उसको हम लोग कंपार्टमेंट 2 भी कहते हैं, वो एक तरह से आप कह सकते हैं पुअरली परफ्यूज टिश्यूज होते हैं। इनके अंदर ब्लड की सप्लाई काफी कम होती है। क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत है, तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए,
ट्रू जो हमारे होते हैं पेरिफेरल कंपार्टमेंट होते हैं उनके अंदर हमारा ब्लड का जो परफ्यूज़न है वो काफ़ी स्लो होता है, और इस कंडीशन में जो हमारी होती है मसल्स होती हैं, स्किन होता है, एडिपोज जो हमारे टिश्यूज़ हैं उनको हम लोग अपने पेरिफेरल कंपार्टमेंट के रूप में यूज़ करते हैं, या जो हमारा होता है टू कंपार्टमेंट मॉडल, उसमें कंपार्टमेंट टू हमारा एक तरह से होता है मसल होती हैं, स्किन होता है, या हमारे एडिपोज टिश्यूज होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल कंपार्टमेंट। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑर्गन कंप्राइजेज द पेरिफेरल कंपार्टमेंट इन टू कंपार्टमेंट मॉडल, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा लीवर, दूसरा ऑप्शन है लंग, तीसरा ऑप्शन है किडनी और अंतिम ऑप्शन है मसल। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द पेरिफेरल कंपार्टमेंट के बारे में, तो इसके जो हमारे थे पहले क्वेश्चन उसमें हम लोगों ने देखा कि जो हमारे होते हैं पेरिफेरल कंपार्टमेंट होते हैं उसमें जो हमारा ब्लड का परफ्यूजन है वो काफ़ी स्लो होता है। तो जो हमारा होता है लीवर होता है, लंग होता है और हमारा किडनी होता है, ये हमारे टू कंपार्टमेंट जो मॉडल होता है उसका सेंट्रल कंपार्टमेंट कहलाता है। और जो हमारा ऑप्शन है दैट इज़ द डी मसल, ये हमारा होता है टू कंपार्टमेंट मॉडल का पेरिफेरल कंपार्टमेंट कहलाता है, क्योंकि इसमें जो हमारे ब्लड का परफ्यूजन है वो काफ़ी स्लो होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विल हैव द सोन कंपार्टमेंट मॉडल। ये जो हमारा कंपार्टमेंट मॉडल है ये किस टाइप का ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शो कर रहा है, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल इंट्रावेनस, दूसरा ऑप्शन है टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल जो इंट्रावेनस, जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल एक्स्ट्रावेस्कुलर, और अंतिम ऑप्शन है हमारा टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल एक्स्ट्रावेस्कुलर। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है सेंट्रल कंपार्टमेंट, अगर उसमें एक कोई एरो अंदर की ओर आती है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रावेस्कुलर। मींस यहां पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा है सेंट्रल कंपार्टमेंट उसमें कोई भी एरो अंदर की ओर नहीं आ रही है, या हम कह सकते हैं राइट साइड से कोई भी रो अंदर की ओर नहीं आ रही है। तो ये इस चीज को इंडिकेट करेगा कि जो हमारी ड्रग है वो सीधे हमारे ब्लड में आ रही है। तो यहां पे हमारा ये जो है कंपार्टमेंट वो होगा इंट्रावेनस होगा। यहां पे हमें दो कंपार्टमेंट देखने को प्राप्त हो रहे हैं, तो इसलिए ये जो हमारा मॉडल है ये टू कंपार्टमेंट होगा। तो इस प्लेस पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल इंट्रावेनस। ये हमारा जो है कंपार्टमेंट मॉडल जो डायग्राम में है वो एक टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल इंट्रावेनस है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विल हैव द सोन कंपार्टमेंट मॉडल। ये जो हमारा कंपार्टमेंट मॉडल है ये एक तरह से किस टाइप का ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शो कर रहा है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन अगेन हमारे पास एक तरह से सेम है इससे पहले वाले क्वेश्चन से। तो इस प्लेस पे अगर हम वो देखें तो यहाँ पे दो कंपार्टमेंट हैं, तो ये एक हमारा टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल होगा। अगर हम इसमें अपने देखते हैं जो हमारा फर्स्ट कंपार्टमेंट है या जो हमारा सेंट्रल कंपार्टमेंट है उसमें एक एरो अंदर की ओर आ रही है, इसका मतलब जो हमारी ड्रग है वो हमारे एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट के थ्रू हमारे अंदर इंटर कर रही है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल एक्स्ट्रा वेस्कुलर, ये हमारा डायग्राम या ये हमारा कंपार्टमेंट मॉडल शो कर रहा है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी इज, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा एब्जॉर्प्शन एक्सपोनेंट माइनस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंट प्लस इलिमिनेशन एक्सपोनेंट, दूसरा ऑप्शन है हमारा एब्जॉर्प्शन एक्सपोनेंट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंट माइनस इलिमिनेशन एक्सपोनेंट, और तीसरा ऑप्शन है हमारा एब्जॉर्प्शन एक्सपोनेंट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंट प्लस इलिमिनेशन एक्सपोनेंट, और अंतिम ऑप्शन है नन ऑफ देम। तो अगर हम एक किसी टी टाइम पे अपने प्लाज्मा की कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो वो इक्वल होता है एब्जॉर्प्शन जो हमारा एक्सपोनेंट होता है प्लस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंट प्लस इलिमिनेशन एक्सपोनेंट के, ये इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द सी, और इसकी जो हमारी इक्वेशन होती है C इज इक्वल टू एन की पावर ई माइनस के ए टी प्लस एल की पावर ई माइनस अल्फा टी प्लस एम की पावर ई माइनस बीटा टी। तो यहाँ पे जो हमारा है के ए अल्फा है और जो हमारा बीटा है ये हमारे एक्सपोनेंट कहलाते हैं, इनकी कुछ मीनिंग होती है, और जो हमारे एल एम और एन है यहाँ पे ये हमारे कोफिशियंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, एब्जॉर्प्शन एक्सपोनेंट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंट प्लस इलिमिनेशन एक्सपोनेंट, जब
कंबाइंड होते हैं, ऐड होते हैं, तो वो हमारे टी टाइम पे प्लाज्मा की कंसंट्रेशन कहलाती है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन द इक्वेशन लॉग सी इज इक्वल टू लॉग सी जीरो माइनस के ई टी अपॉन 2.303 व्हाट डज सी ओ स्टैंड, जो ये हमारी इक्वेशन है इसमें जो हमारा सी ओ है उसका क्या मतलब होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन आफ्टर 60 मिनट ऑफ आईवी इंजेक्शन, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ आईवी इंजेक्शन। तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन आफ्टर 30 मिनट ऑफ आईवी इंजेक्शन। और अंतिम ऑप्शन है हमारा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इमीडिएटली आफ्टर आईवी इंजेक्शन। तो अगर यहाँ पे हम जो हमारा है सी जीरो उसके बारे में बात करते हैं तो दैट इज स्टैंड फॉर द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इमीडिएटली आफ्टर आईवी इंजेक्शन। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी। तो अगर हम इस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं तो इस प्लेस पे जो हमारा सी है वो हमारा कहलाता है ड्रग कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा, जो हमारा है सी जीरो ये कहलाता है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इमीडिएट आफ्टर आईवी इंजेक्शन, जो हमारा के ई है ये कहलाता है ओवरऑल इल्यूमिनेशन रेट कांस्टेंट, और अगर हम टी की बात करते हैं तो ये हमारा टाइम कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द डी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज मेंट बाय द इल्यूमिनेशन हाफ लाइफ, जो हमारा इल्यूमिनेशन हाफ लाइफ होती है उसका क्या मतलब होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा टाइम टेक फॉर द हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग टू गेट कंप्लीटली इल्यूमिनेटेड फ्रॉम ओनली द ऑर्गन्स, दूसरा ऑप्शन है हमारा वो टाइम टेक फॉर हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग टू गेट कंप्लीटली इल्यूमिनेटेड फ्रॉम द ओनली ब्लड, तीसरा ऑप्शन है वो टाइम टेक फॉर हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्रग टू गेट कंप्लीटली इल्यूमिनेटेड फ्रॉम ओनली द प्लाज्मा, और अंतिम ऑप्शन है हमारा टाइम टेक फॉर हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्रग टू गेट कंप्लीटली इल्यूमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एज वेल एज प्लाज्मा। तो अगर हम बात करते हैं इल्यूमिनेशन हाफ लाइफ के बारे में तो एक तरह से ये वो टाइम होता है जब हमारी आधी ड्रग हमारे प्लाज्मा से और हमारी बॉडी से इल्यूमिनेट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, टाइम टेक टू हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्रग टू गेट कम्प्लीटली इल्यूमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एज वेल एज प्लाज्मा, और इसको हम लोग टी हाफ से इंडिकेट करते हैं और ये इक्वल होता है 0.693 अपॉन के ई के। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द आईवी बोलस डोज इज 500 mg एंड द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इज 0.8 mg पर ml, व्हाट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आईवी बोलस हमारे ड्रग की जो डोज है वो यहाँ पे है 500 mg, हमारे प्लाज्मा में ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो है 0.8 mg पर ml है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 625 mg पर ml, दूसरा ऑप्शन है हमारा 625 लीटर, तीसरा ऑप्शन है हमारा 625 ml, और अंतिम ऑप्शन है हमारा 0.0016 mg पर ml। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, 625 ml यहाँ पे हमारा होगा करेक्ट आंसर। तो जो हमारा फार्मूला होता है हमारे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या होता है, VD इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। तो जो हमारे एक तरह से अमाउंट है हमारे ड्रग की हमारे बॉडी में, तो वो हमारी क्या होगी, जो हमारी है आईवी बोलस डोज है जो हमने अपने बॉडी के अंदर एक तरह से एडमिनिस्टर की है, वो हमारा होगा अमाउंट ऑफ ड्रग इनटू द बॉडी, और जो हमारी प्लाज्मा की कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे 0.8 mg पर ml दी गई है। तो यहाँ पे जो हमारा है एक तरह से 500 अपॉन 0.8 हो जाएगा, और इसका जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 625, और इस कंडीशन में जो हमारा है अमाउंट ऑफ ड्रग वो mg में है और जो हमारा है ड्रग कंसंट्रेशन वो mg पर ml में है, तो यहाँ पे mg और mg आपस में कट जाएंगे और हमारा ml ऊपर आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो दैट इज द 625 ml। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, टू हैव ए प्लाज्मा डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम ऑफ 900 ml एंड द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इज टू बी 1.2 mg पर ml, व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट शुड बी गिवन टू द पेशेंट। तो अगर जो हमारा है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है या प्लाज्मा डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम है अगर वो हमारी ड्रग का है 900 ml, और जो हमारा है प्लाज्मा ड्रग एक तरह से कंसंट्रेशन है वो हमें कितना चाहिए 1.2 mg पर ml चाहिए, तो इसके लिए हम अपने पेशेंट को कितने अमाउंट में ड्रग दें, क्या डोज दें। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1080 ml, दूसरा ऑप्शन है 1080 ग्राम,
तीसरा ऑप्शन है 1080 mg और अंतिम ऑप्शन है 1 g/ml। तो अगर हम बात करते हैं करेक्ट आंसर की तो दैट इज द सी, 1080 mg अगर हम अपने पेशेंट को देते हैं तो उसका जो होगा प्लाज्मा डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम वो होगा 900 ml और उसका जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है वो 1.2 mg/ml के आसपास होगा। तो जो हमारा इससे एक तरह से पहले फार्मूला था अगर हम उसको जो है रीशिफ्ट करते हैं तो अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन टू प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। तो इस प्लेस पे हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है 900 ml इन टू जो हमारा प्लाज्मा में कंसंट्रेशन है वो है 1.2 mg/ml। तो इस कंडीशन में जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1080 mg। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, 1080 mg हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द 4 mark point ऑफ द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ एब्जॉर्प्शन रेट इक्वल टू इलिमिनेशन रेट। तो जो हमारा ये ग्राफ है अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे हमारे पास 4 point हैं, ए बी सी और डी, यहाँ पे हमारे पास 4 एक तरह से पॉइंट हैं। हमें यहाँ पे ये बताना है कि किस पॉइंट पे हमारा एब्जॉर्प्शन का रेट हमारे इलिमिनेशन रेट के इक्वल होगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी और अंतिम ऑप्शन है डी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, जो हमारा पॉइंट ए है ये हमारा कहलाता है सी मैक्स, और जब हमारे ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो सी मैक्स पे होती है तो उस समय जो हमारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे रेट ऑफ इलिमिनेशन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, ए। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ 2 compartment model, इनमें से एक तरह से कौन सी हमारे 2 compartment model की कैटेगरी नहीं होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा द इलिमिनेशन फ्रॉम द सेंट्रल कंपार्टमेंट, दूसरा ऑप्शन है इलिमिनेशन फ्रॉम द पेरिफेरल कंपार्टमेंट, तीसरा ऑप्शन है इलिमिनेशन फ्रॉम द ओनली प्लाज्मा एंड ब्लड और अंतिम ऑप्शन है इलिमिनेशन फ्रॉम बोथ द कंपार्टमेंट। तो अगर हम अपने 2 compartment model के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, द इलिमिनेशन फ्रॉम ओनली प्लाज्मा एंड ब्लड इज नॉट द कैटेगरी ऑफ अवर 2 compartment model। जो हमारा होता है 2 compartment model होता है वो 3 type का होता है या वो 3 category में होता है। अगर हम इन 3 category के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा 2 compartment model होता है अगर उसमें जो हमारा है इलिमिनेशन वो हमारे एक तरह से वो सेंट्रल कंपार्टमेंट से हो रहा है तो वो उसकी एक तरह से कैटेगरी कहलाता है। दूसरी कैटेगरी है अगर जो हमारा इलिमिनेशन है वो हमारे हो रहा है पेरिफेरल कंपार्टमेंट से तो वो भी हमारे 2 compartment model की कैटेगरी होती है, और अगर जो हमारा इलिमिनेशन है वो हमारे इन दोनों कंपार्टमेंट से हो रहा है तो वो भी हमारे ड्रग इलिमिनेशन की या हम कह सकते हैं 2 compartment model है उसकी कैटेगरी कहलाता है। तो यहाँ पे अगर जो हमारा है इलिमिनेशन वो हमारे प्लाज्मा और हमारे ब्लड से ही केवल हो रहा है तो वो हमारे 2 compartment model की कैटेगरी नहीं होती है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इन द गिवन पिक्चर द मार्किंग क्वेश्चन रिप्रेजेंट द ड्रग कंसंट्रेशन ऑफ विच कंपार्टमेंट। ऑप्शंस देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा द सेंट्रल कंपार्टमेंट इन 2 compartment model, जो हमारा दूसरा ऑप्शन है दैट इज द ए है ए पेरिफेरल कंपार्टमेंट इन 2 compartment model, जो हमारा तीसरा ऑप्शन है द सेंट्रल कंपार्टमेंट इन ए 1 compartment model और अंतिम ऑप्शन है ड्रग कंसंट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा। तो अगर हम ये जो हमारा है ग्राफ इसमें जो है हमारा क्वेश्चन मार्क या जो हमारी ऊपर वाली लाइन है जो हमारा ऊपर वाला ग्राफ है इसके बारे में बात करते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक तरह से किस चीज़ का ग्राफ होता है। तो यहाँ पे हमारा होगा करेक्ट आंसर दैट इज द ए, द सेंट्रल कंपार्टमेंट इन 2 compartment जो हमारा मॉडल होता है उसका ये एक तरह से वो सेंट्रल कंपार्टमेंट को शो करता है। द ड्रग कंसंट्रेशन ऑफ द सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ 2 compartment model को हमारा ऊपर वाला ग्राफ शो करता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो हमारा एक तरह से ग्राफ है वो सेम है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारा नीचे वाला ग्राफ है वो क्या शो करता है, ऑप्शंस भी यहाँ पे एक तरह से सेम है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, ए पेरिफेरल कंपार्टमेंट इन 2 compartment model को ये ग्राफ शो कर रहा है, द ड्रग कंसंट्रेशन ऑफ द पेरिफेरल कंपार्टमेंट ऑफ 2 compartment model को ये हमारा नीचे वाला ग्राफ जो है वो शो कर रहा है।
अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द स्टडी स्टेट हलप्लेटिया इज रीच्ड इन अप्रॉक्सीमेटली, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1 हाफ लाइफ, दूसरा ऑप्शन है 3 हाफ लाइफ, तीसरा ऑप्शन है 5 हाफ लाइफ और अंतिम ऑप्शन है 7 हाफ लाइफ। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारा होता है प्लेटियो होता है, या जो हमारा वो टाइम रिक्वायर्ड होता है हमारे स्टडी स्टेट में हमारी ड्रग को रीच करने में, उसमें हम कितनी हाफ लाइफ तक अपनी डोज को देते हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सी, 5 हाफ लाइफ तक हम अपने जो हमारी एक तरह से डोज है उसको देते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द स्टडी स्टेट प्लेटियो इज डिटरमाइंड बाई, जो हमारा स्टडी स्टेट के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। जो हमारा एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट होता है उससे, जो हमारा दूसरा ऑप्शन है हमारा एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट से, तीसरा ऑप्शन है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट से और अंतिम ऑप्शन है ऑल। तो यहाँ पे हमारा है करेक्ट आंसर दैट इज द बी, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमारा होता है स्टडी स्टेट उसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के को यूज़ करते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इन द हाइब्रिड फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट अल्फा फेज, जो हमारा हाइब्रिड फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट होता है उसमें जो हमारा अल्फा है वो कौन सी फेज होती है, ऑप्शंस देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन फेज, दूसरा ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, तीसरा ऑप्शन है एलिमिनेशन फेज और अंतिम ऑप्शन है हमारा नन। तो अगर हम बात करते हैं अल्फा के बारे में तो ये रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज को, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इन हाइब्रिड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कांस्टेंट बीटा फेज, जो हमारा इसमें होता है बीटा फेज वो क्या होता है, कौन सी फेज होती है, ऑप्शंस हैं एब्जॉर्प्शन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, तीसरा है हमारा एलिमिनेशन फेज और अंतिम है नन। तो अगर हम बात करते हैं बीटा के बारे में, अपने जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट में जो हमारा बीटा होता है वो हमारा कहलाता है एलिमिनेशन फेज कहलाता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, एलिमिनेशन फेज। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विच इज़ द इक्वेशन ऑफ लोडिंग डोज फॉर आईवी, जो हमारा आईवी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी इनमें से कौन सी लोडिंग डोज की इक्वेशन है, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा H0L इज इक्वल टू CSS AV इंटू VD अपॉन F, दूसरा ऑप्शन है हमारा H0L इज इक्वल टू CSS AV अपॉन VD, तीसरा ऑप्शन है हमारा X0L इज इक्वल टू CSS AV इंटू VD और अंतिम ऑप्शन है नन। तो अगर हम बात करते हैं अपने IV एडमिनिस्ट्रेशन की लोडिंग डोज के इक्वेशन की, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सी, X0L इज इक्वल टू CSS AV इंटू VD। यहाँ पे जो हमारा है CSS AV है वो क्या कहलाता है, एवरेज स्टडी स्टेट प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन कहलाता है, VD है हमारा अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको हम लोग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, और जो हमारा F है यहाँ पे ये होता है फ्रैक्शन ऑफ डोज एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे F हमने इसलिए इंडिकेट किया है क्योंकि ये जो हमारी है पहली इक्वेशन है ये हमारे एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट का एक तरह से लोडिंग डोज की इक्वेशन है। तो अगर एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि जो हमारा एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट है उसकी लोडिंग डोज की इक्वेशन क्या होगी, तो उस समय हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, X0L इज इक्वल टू CSS AV इंटू VD अपॉन F। बट अगर हम IV के बारे में बात करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी करेक्ट इक्वेशन है दैट इज द सी, X0L इज इक्वल टू CSS AV इंटू VD हमारे जो एक तरह से IV रूट है उसकी लोडिंग डोज की इक्वेशन कहलाती है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। विच इज़ द इक्वेशन ऑफ मेंटेनेंस डोज, इनमें से कौन सी इक्वेशन हमारे मेंटेनेंस डोज की इक्वेशन होती है, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा X0 इज इक्वल टू CSS AV Cl इंटू टाउ, यहाँ पे जो हमारा है टाउ वो वहाँ पे इस प्लेस पे ठीक से शो नहीं कर रहा है, हो सकता है सॉफ्टवेयर की दिक्कत हो, तो उसको हम लोग एक तरह से टी से इंडिकेट करते हैं वो टाउ। दूसरा ऑप्शन है हमारा X0 इज इक्वल टू CSS AV अपॉन CLT
इंटू टाउ, तीसरा ऑप्शन है हमारा एक्स जीरो इज इक्वल टू सी एस एस ए वी सी एल टी अपॉन टाउ, और अंतिम ऑप्शन है हमारा नन। तो अगर हम मेंटेनेंस डोज के बारे में बात करते हैं तो वो आपको एक तरह से कुछ किताबों में एक्स जीरो से इंडिकेट करते हैं और कुछ प्लेस पे वो एक्स एम से भी इंडिकेट करते हैं। तो जो हमारा एक्स जीरो है, अगर इसके प्लेस पे एक्स एम भी होगा तो भी हमारा ऑप्शन एक तरह से सही होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है करेक्ट आंसर दैट इज द ए, एक्स जीरो इज इक्वल टू सी एस एस ए वी सी एल टी इंटू टाउ हमारी इक्वेशन होती है मेंटेनेंस डोज की। इस प्लेस पे जो हमारा है सी एस एस ए वी है वो अगेन हमारा एवरेज स्टडी स्टेट प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है। अगर हम सी एल टी के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा टोटल बॉडी क्लियरेंस कहलाता है, और जो हमारा टाउ है वो हमारा डोजिंग इंटरवल होता है, उसको हम लोग टी से इंडिकेट करते हैं। अब हम लोग अपने अंतिम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज द इक्वेशन ऑफ डोज रेशियो, इसमें से कौन सी इक्वेशन है हमारे डोज रेशियो की। ऑप्शंस देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा डोज रेशियो इक्वल टू एक्स जीरो इंटू एक्स जीरो एल, दूसरा ऑप्शन है हमारा डोज रेशियो जो इक्वल टू एक्स जीरो अपॉन एक्स जीरो एल, तीसरा ऑप्शन है हमारा डोज रेशियो इक्वल टू एक्स जीरो एल अपॉन एक्स जीरो, और अंतिम ऑप्शन है हमारा नन। तो इस प्लेस पे भी अगेन आपको एग्जाम में जो आपका एक्स जीरो है उसके प्लेस पे एक्स एम भी देखने को प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, डोज रेशियो इक्वल टू एक्स जीरो एल अपॉन एक्स जीरो, जो हमारा होता है वो रेशियो हमारे होता है लोडिंग वो डोज का, और हमारे मेंटेनेंस वो डोज का जो रेशियो होता है उसको हम लोग डोज रेशियो कहते हैं। ओके फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके पास भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो अगर आप उनको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे तो वो और स्टूडेंट को हेल्प करेगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।